सो हेलो गाइस, मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ सबके डिमांड पर। तो मुझे मैंने मोमोज़ की रेसिपी बनाई थी, सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। लोगों ने मुझे बहुत डिमांड करा, मतलब कि मैम आप प्लीज़ मोमोज़ की रेड चटनी का ज़रूर रेसिपी बनाना। सो हम आज मोमोज़ की रेड चटनी की रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। सो इसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी मैंने ये लाल मिर्ची ली है सूखी वाली। सो इसकी ये चीज़ को मैं पहले काट लूँगी और टमाटर का ये जो ऊपर से होता है इसको हम कट कर लेंगे चाकू की हेल्प से। सो गाइज, मैंने इनके ऊपर से इसको कट कर लिया है और टमाटर के भी मैंने ऊपर से इसको चाकू की हेल्प से कट कर लिया है। अब हम एक पतीला लेंगे, उसमें हम इसको रख देंगे। सो गाइज, अब इसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। इसको हम बॉईल होने के लिए 10 to 15 मिनट्स तक गैस पे रख देंगे, जब तक हमारे इस टमाटर का छिलका उतर जाएगा। इसका मतलब ये अच्छे से गल चुका है। सो हम इसको रख देते हैं गैस पर। सो गाइज, ये अच्छे से उबल गए हैं। अब जो टमाटर है, टमाटर का मैं छिलका ठंडे पानी से एक बार वॉश करके अलग कर लूँगी। टमाटर के मैंने अच्छे से छिलके निकाल लिए हैं, उनको अलग कर लिया है। अब मैं मिक्सर में टमाटर और लाल सूखी मिर्ची को एक बारी मिक्सर में उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो गाइज, इसको मैं मिक्सर में मिक्स करने लगी हूँ। सो मैंने मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लिया है। सो हम इसका एक छोटा सा तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। सो गाइज, ऑयल मेरा जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। मैंने एक छोटा हाफ अदरक लिया था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। गाइज, अब इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। लहसुन को मैंने बारीक काट लिया था। सो अब 1 टेबलस्पून में इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सो गाइज, जो हमने टमाटर और मिर्ची सूखी मिर्ची का जो हमने पीस कर मसाला रेडी करा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। सो गाइज, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस में रहे। इसको हम 5 मिनट्स तक ही सिर्फ उबलने देंगे, थोड़ा सा उबाला लगवा लेंगे। उसके बाद मैं इसको प्लेटिंग करके किसी बाउल या किसी चीज़ में डालकर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, हमारी गर्मा गर्म मोमोज की चटनी टेस्टी यमी वाली जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो, इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया है। सो गाइज, आप मेरी रेसिपी देखकर कमेंट सेशन पे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी रेसिपी शेयर करो। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो एंड प्रेस करो बेल आइकन को ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच जाए। सो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।